हेलो दोस्तों, बिहार समाचार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बिहार के तमाम बड़ी खबरें जो आपके लिए जरूरी है उसे देखेंगे। तो फटाफट से आप सभी इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दें और आप बिहार के किस जिले में रहते हैं साथ ही हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर पूछें। बड़ी खबर देखिए, पटना के फुलवार शरीफ में रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक, एक गिरफ्तार। जी हां, रामकृष्णा नगर थाना क्षेत्र के जकारियापुर इलाके में स्थित एक ऑनलाइन परीक्षा केंद्र पर चल रहे ग्रुप डी की परीक्षा के दौरान शुक्रवार को प्रश्न पत्र लीक होने का मामला सामने आया है। सेंटर पर हल किया हुआ उत्तर का सेट लेकर पहुंचे रंजीत नामक परीक्षार्थी को गिरफ्तार कर लिया गया है। वह फुलवार शरीफ का रहने वाला है। पुलिस पूछताछ में उसने कबूल किया कि उसे पहले से प्रश्न पत्र का सेट मिला था। रंजीत को जेल भेज दिया गया है। मालूम हो कि रेलवे के ग्रुप डी की परीक्षा ऑनलाइन चल रही है। वह रंजीत ने बताया कि परीक्षा के परीक्षा प्रश्न पत्र और सर्व उत्तर उसने 2 लाख में खरीदे थे। रामकृष्ण नगर थाना अध्यक्ष जहांगीर आलम ने बताया कि परीक्षा केंद्र पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर लिख रहा था। रंजीत ने किसे यह खरीदा है यह जानकारी थाना अध्यक्ष ने नहीं दी है। उनका कहना था कि जरूरत पड़े तो परीक्षार्थी को रिमांड पर लेकर पूछताछ होगी। परीक्षा हॉल में रंजीत सवालों का फटाफट उत्तर लिख रहा था, इससे संदेह पैदा हुआ। सवालों के जवाब में वही थे जो रंजीत के पास थे। बड़ी खबर, बिहार में फिर से सक्रिय हुआ मानसून, आज से 3 दिन तक बरस सकते हैं मेघ, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। जी हां, बिहार में आज से अगले 3 दिन तक अच्छी बारिश होने के आसार है। उत्तरी बिहार के अधिकतर इलाकों में भारी और दक्षिणी बिहार में सामान्य से मध्यम बारिश की संभावना है। हालांकि IMD वैज्ञानिकों का कहना है कि सामान्य रूप से पूरे प्रदेश में जबरदस्त ठनका गिरने की आशंका है। इसको लेकर लोगों को सलाह दी गई है कि वह बारिश के समय पूरी तरह सतर्क रहे। IMD पटना के मुताबिक हिमालय के तलाटी वाले इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। विशेष रूप से पश्चिमी पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, सिवर, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, पूर्णिया और कटिहार में भारी से भारी बारिश के मद्देनजर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बड़ी खबर, बिहार में नगर निगम कर्मियों का अनिश्चितकालीन हड़ताल आज से शुरू। पहले दिन इस शहर में लगा गंदगी का अंबार। जी हां, बिहार के सभी जिलों में ठेका नगर निगम कर्मचारी आज से हड़ताल पर है। उनके हड़ताल पर जाने से जगह जगह गंदगी का अंबार लग गया है। बिहार राज्य स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ शाखा नगर निगम के सैकड़ों कर्मचारियों ने नगर निगम के गेट पर ताला जड़कर सुबह 7 बजे से ही संघ के अध्यक्ष पूर्णदेव कुमार की अध्यक्षता में धरना पर बैठ गए हैं। धरना सभा में बिहार राज्य स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ के जिला सचिव सह ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिलिंग ऑफ ट्रेड यूनियंस के जिला सचिव रविंद्र कुमार रवि ने कहा कि सरकार की हठधर्मिता व तानाशाही रवैया है, इसके कारण आज संपूर्ण बिहार के शहरी निकाय के सफाई कर्मचारी एक बार फिर अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। बिहार के शहरी निकायों में संविदा, दैनिक वेतन कमीशन व स्थायी कमियों के साथ बिहार सरकार द्वारा आए दिन कुठारघात किया जा रहा है। आपको बता दें कि इनके मुख्य मांगों में वर्षों से कार्यरत सफाई कर्मियों को सेवा नियमित करने, नगर निकायों में कार्यरत सभी नियमित कर्मियों को सरकारी कर्मी के समतुल्य वेतन, पेंशन व SP का लाभ, नगर निकायों में निजीकरण पर रोक लगाई जाए एवं आउटसोर्सिंग से बहाली बंद करने जैसे प्रमुख मांगे शामिल है। आगे देखिए, बिहार के ग्रामीण कार्य विभाग के वरिष्ठ इंजीनियर के घर निगरानी के रेड, 5 करोड़ कैश बरामद। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी पटना से आ रही है, जहां निगरानी विभाग की टीम ने ग्रामीण कार्य विभाग के इंजीनियर के ठिकानों पर छापेमारी की है। छापेमारी के दौरान निगरानी को 5 करोड़ रुपए कैश मिले हैं। सुबह से निगरानी की टीम वरिष्ठ इंजीनियर के ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। जानकारी के मुताबिक निगरानी की टीम इंजीनियर के पटना और किशनगंज स्थित आवास पर छापेमारी कर रही है। आरोपी इंजीनियर संजय कुमार राय ग्रामीण कार्य विभाग के किशनगंज प्रमंडल में तैनात है। बताया जा रहा है कि छापेमारी के दौरान किशनगंज स्थित आवास से करीब 4 करोड़ और पटना के आवास से 1 करोड़ रुपए बरामद हुए हैं। छापेमारी के दौरान निगरानी के हाथ कई और अन्य दस्तावेज भी लगे हैं। फिलहाल पटना और किशनगंज में आरोपी इंजीनियर के घर निगरानी की टीम छापेमारी कर रही है। आगे देखिए बड़ी खबर, देश के 49वें CJI बने जस्टिस यूयू ललित, राष्ट्रपति भवन में ली शपथ। जी हां, जस्टिस उदय उमेश ललित ने भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के तौर पर पद की शपथ ले ली है। राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मौजूदगी में उन्होंने इस पद शपथ ली है। वे अगले 75 दिन तक
सुप्रीम कोर्ट की अगुवाई करेंगे। इसके बाद देश के 50वें चीफ जस्टिस के रूप में जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ इस पद को संभालेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पूर्व सीजीआई एनवी रमाना बीते 26 अगस्त को सेवानिवृत्त हो गए हैं। इसके बाद जस्टिस उदय उमेश ललित को भारत का नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। नए चीफ जस्टिस यू ललित का कार्यकाल 3 महीने से भी कम होगा। बड़ी खबर देखिए, गंगा खतरे के निशान से महज 1.5 फुट नीचे। धीरे धीरे दानापुर के निचले इलाकों में घुस रहा है पानी, दहशत में लोग। जी हां, गंगा में उफान से दानापुर दियारा के निचले इलाके में सोनासुता के जरिए गंगा का पानी घुस गया है। अब बाढ़ का पानी धीरे धीरे गांवों की ओर बढ़ रहा है। खतरे के निशान से मात्र 1.5 फुट नीचे गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है। एक ओर जहां गंगा नदी में हो रही तेजी से वृद्धि के कारण दियारे के गंगहारा, हेतनपुर, कासिमकच, पुरानी पानापुर, पातालपुर व मानस पंचायत के करीब 2 लाख आबादी पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। वहीं दूसरी तरफ बड़ी खबर, इंद्रपुरी में सोन नदी का जलस्तर वृद्धि हो रहा है। पूर्व जिला परिषद सदस्य ओम प्रकाश यादव व मुखिया दिनेश प्रसाद ने मुख्यमंत्री, आपदा प्रबंधन मंत्री, डीएम व एसडीओ से गंगा में सरकारी स्तर पर नाव का परिचालन करने की मांग की है। उन्होंने बताया कि गंगा के उफान से दियारे के निचले इलाकों में पानी घुस गया है। सीओ अमृत राज बंधु ने बताया कि खतरे के निशान से नीचे बह रहे गंगा के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रहा है। वही बड़ी खबर देखिए, ओबीसी और तेजस्वी के गढ़ सीमांचल में गरजेंगे अमित शाह। जेपी नड्डा समेत कई बीजेपी नेता सितंबर में बिहार आएंगे। जी हां, बिहार में एनडीए गठबंधन टूटने के बाद बीजेपी ने लोकसभा चुनाव 2024 और विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियां शुरू कर दी है। संगठन को मजबूती देने के लिए बीजेपी के आला नेता राज्य का दौरा करेंगे। बिहार में जल्द बीजेपी के कदावर नेताओं के आने के सिलसिला तेज होने वाला है। इसी कड़ी में अगले महीने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राज्य का दौरा कर सकते हैं। 15 सितंबर से पहले शाह का असदुद्दीन ओवैसी और तेजस्वी यादव के गढ़ सीमांचल आने का कार्यक्रम बन रहा है। इसके अलावा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी सितंबर में बिहार आ सकते हैं। बताया जा रहा है कि 10 से 15 सितंबर के बीच अमित शाह की पूर्णिया में बड़ी जनसभा हो सकती है। वही आगे देखिए, ललन सिंह को सुशील मोदी की चुनौती, हिम्मत है तो लालू यादव को निर्दोष घोषित करे, खुद दिया था सबूतों की फाइल। जी हां, बिहार में नीतीश कुमार के फाला बदलने के बाद बीजेपी और जदयू के बीच तीखी बयानबाजी का दौर जारी है। बीजेपी ने आरजेडी और जदयू दोनों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, तो आरजेडी इसे सत्ता से बाहर होने की बौखलाहट बता रही है। मगर जदयू एक ओर बीजेपी की खिलाफत कर रही है तो दूसरी ओर चिर विरोधी आरजेडी की प्रशंसा करना जदयू की मजबूरी बन गई है। पिछले माह तक लालू यादव और तेजस्वी यादव को घोटालेबाज बताने वाले जदयू नेता और अब आरजेडी के नेताओं पर सीबीआई की कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, तेजस्वी और राजद नेताओं के ठिकानों पर सीबीआई की कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। यूं कहे तो ललन सिंह राजद नेता और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के बचाव में खुलकर बोल रहे हैं। खासकर एक मॉल पर सीबीआई के मामले में ललन सिंह तेजस्वी यादव के समर्थन में बीजेपी से दो दो हाथ करने को तैयार है। उन्होंने कहा कि बीजेपी पहले अपने गिरेबान में झांके तब दूसरे पर आरोप लगाए। ललन सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक भाषण का पुराना वीडियो शेयर किया है, जिसमें मोदी मनमोहन सिंह सरकार पर जांच एजेंसियों के दुरुपयोग पर नाराजगी जता रहे हैं। बड़ी खबर, आरसीपी जल्द बीजेपी में होंगे शामिल, 2 दिनों से दिल्ली में डाला है डेरा, बड़े नेताओं से करेंगे मुलाकात। जी हां, आरसीपी सिंह भादो के बाद शुभ मुहूर्त में भाजपा में शामिल होंगे। वो पिछले 2 दिनों से दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। नाम ना बताने की शर्त पर उनके एक नजदीकी ने बताया कि आरसीपी सिंह भाजपा के वरिष्ठ और शीर्ष नेताओं से मुलाकात करने वाले हैं। दरअसल बिहार में सरकार बदलने का तत्कालिक कारण पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह अब धीरे धीरे अपने आप को एक्टिव करने लगे हैं। सूत्रों के अनुसार दिल्ली में वह भाजपा के वरिष्ठ और शीर्ष नेताओं से मुलाकात करने वाले हैं। मुलाकातों के बाद आधिकारिक रूप से भाजपा में शामिल होंगे। अभी भादो चल रहा है, जैसे ही शुभ मुहूर्त होगा वह भाजपा में शामिल होंगे। माना जा रहा है कि सब कुछ ठीक ठाक रहा तो अगले कुछ दिनों में वो फैसला ले सकते हैं। बड़ी खबर, गंगा घाट और दियारे इलाके का मंत्री शाहनवाज ने लिया जायजा, कहा गंगा का जल स्तर खतरे के निशान से ऊपर। जी हां, गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर को देखने और प्रभावित इलाकों का जायजा लेने के लिए आपदा प्रबंधन मंत्री शाहनवाज शनिवार को पटना सिटी के गायघाट पहुंचे। इस दौरान गंगा घाटों का निरीक्षण और दियारा इलाकों का जायजा मंत्री ने लिया। इस मौके पर प्रबंधन विभाग के अधिकारी और एसडीआरएफ की टीम भी मौजूद रहे। आपदा प्रबंधन मंत्री शाहनवाज ने गंगा के बढ़ते जलस्तर पर
आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारियों से बातचीत की और उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। एसडीआरएफ की टीम के साथ वोट पर बैठकर मंत्री शाहनवाज ने गंगा घाटों और दियारा इलाकों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने बताया कि गंगा का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर रहा है, ऐसे में बाढ़ से निपटने के लिए सरकार की ओर से पूरी व्यवस्था की गई है। आपदा विभाग की टीम एसडीआरएफ और एनडीआरएफ भी पूरी तरह से तैयार है। बड़ी खबर, पटना सिविल कोर्ट में तेजस्वी यादव के पेशी, ट्रैफिक उल्लंघन मामले में मिली जमानत। जी हां, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव शनिवार को पटना सिविल कोर्ट पहुंचे। एक मामले में वे पटना सिविल कोर्ट में पेश हुए। बताया जा रहा है कि प्रतिरोध मार्च के दौरान ट्रैफिक व्यवस्था के उल्लंघन से जुड़े एक मामले में उनकी पेशी हुई है। पटना के एमपीएमएलए कोर्ट में शनिवार की दोपहर तेजस्वी यादव शामिल हुए। उप मुख्यमंत्री के साथ साथ वकीलों की टीम कोर्ट में मौजूद थे। ट्रैफिक उल्लंघन के मामले में तेजस्वी यादव को कल बेल मिल गई है। बड़ी खबर, पटना यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट राउंड से आवेदन के लिए आज खुलेगा ऑनलाइन पोर्टल, छात्र ले सकेंगे नामांकन। जी हां, पटना विश्वविद्यालय में स्नातक, वोकेशनल और रेगुलर कोर्सेज में नामांकन प्रक्रिया चल रही है। चौथे राउंड काउंसलिंग के बाद बची हुई खाली सीटों पर नामांकन के लिए स्पोर्ट राउंड की प्रक्रिया भी ऑनलाइन माध्यम से होगी। जिन बच्चों का नामांकन हो चुका है वे स्पोर्ट राउंड प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकेंगे। बचे हुए वैसे आवेदक जिनका नामांकन अभी तक नहीं हो सका है वे पीयूसीटी 22 में उत्तीर्ण हुए स्पोर्ट राउंड में भाग ले सकते हैं। स्पोर्ट राउंड में भाग लेने के लिए च्वाइस फिलिंग की प्रक्रिया 28 अगस्त यानी आज रविवार को सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक पटना विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर यूजी के नामांकन के लिए च्वाइस फिलिंग के लिए पोर्टल खुला रहेगा। बड़ी खबर, बिहार पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा के नतीजे हुए घोषित। जी हां, बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन बोर्ड ने बिहार डिप्लोमा सर्टिफिकेट एंट्रेंस कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन 2022 का रिजल्ट घोषित कर दिया है। वे कैंडिडेट जिन्होंने ये एग्जाम दिया है वे बीसीएसईबी की आधिकारिक वेबसाइट bcecbboard.bihar.government.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। अगली बड़ी खबर, डीआरडीओ ने 1901 पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की, ऐसे कर पाएंगे आवेदन। जी हां, डीआरडीओ में सरकारी नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर है। भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अधीन रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने 1900 से अधिक पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना की है। आपको बता दें कि जारी भर्ती विज्ञापन में डीआरडीओ टेक्निकल कैडर विधायक में सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी और टेक्नीशियन ए के कुल 1901 पदों पर भर्ती की जानी है। वहीं आवेदन की प्रक्रिया 30 सितम्बर से शुरू होगी और 23 सितंबर 2022 तक अपना एप्लीकेशन सबमिट कर सकेंगे। आवेदन के भुगतान उम्मीदवारों को 100 रुपए के शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से करना होगा। साथ ही आपको बता दें कि टेक्निकल असिस्टेंट बी पदों के लिए आवेदन के इच्छुक उम्मीदवारों को किसी मान्यता प्राप्त उच्च शिक्षा या तकनीकी शिक्षा संस्थान से रिक्त से संबंधित ट्रेड विषय में डिग्री या डिप्लोमा उत्तीर्ण होना चाहिए। वहीं टेक्नीशियन ए पदों के लिए उम्मीदवारों को किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित ट्रेड में ITI उत्तीर्ण होना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह बिहार के डेली न्यूज़ देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।